नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में, यानी जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं उनके अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसके अंदर जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं उसके अंदर जो छोटी गाड़ियों के अंदर जो काम करता है हमारा कूलिंग सिस्टम वो कैसे काम करता है, यानी जो बड़ी गाड़ियों समय क्या है कूलेंट कूलिंग सिस्टम काम करता है, यानी कि वाटर कोल्ड कूलिंग सिस्टम इसके अंदर काम करता है, यानी कि जो हमारी बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी सभी के अंदर जो है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम ही काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं जिसके अंदर एक स्पेशल आप गाड़ी को जैसे ही आगे से बोन उठा के खोल के देखते हो तो उसके अंदर एक अलग सामने आपको एक अलग से टैंक दिखाई देता है जिसको डीएरेशन टैंक या एक्सिलरी टैंक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो छोटी गाड़ियां हैं उसके अंदर जो रेडिएटर होता है हमारा उसके अपर टैंक के ऊपर ही क्या होती है रेडिएटर कैप होती है। लेकिन बड़ी गाड़ियों में क्या था कि जैसे बड़ी गाड़ियां ज्यादा दूरी तय करती थी और काफी हाई टेम्परेचर और उनके इंजन ज्यादा पावरफुल क्या होता है ज्यादा हीट उत्पन्न करते थे, जिससे क्या होता था कि जो उनके अंदर शिकायत आने लग गई थी कि जो उनको जो टैंक थे जो उनके रेडिएटर टैंक थे क्या वो पिचक जाते थे, यानी कि इसके टूट फूट की आती रहती। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर कोई हमारा एयर रह जाता है तो एयर क्या होता है रेडिएटर के अंदर घूमता रहता है और वो क्या करता है जहाँ जिस जगह लग जाता है वहाँ पे क्या करता है जगह को कमजोर करता है, जिससे हमारा रेडिएटर क्या हो पिचकने या टूटने की संभावना रहती थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे जो भी बड़ी गाड़ी ट्रक हैं बसें हैं उसके अंदर जो वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि जो कूलिंग सिस्टम के आधार पर जो है दो भागों में हमारे जो उपकरण को बांटा गया, एक तो एयर कोल्ड सिस्टम दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। जो एयर कोल्ड सिस्टम है वो क्या है हमारे मोटरसाइकिलों में, यानी कि जैसे मोटरसाइकिलों अंदर एयर कोल्ड जिसमें फिंस होते हैं और हवा एयर आके उनसे टकराती है और क्या होता है इंजन को ठंडा करते हैं। दूसरा है कूलिंग सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम छोटी गाड़ियों के अंदर कूलिंग सिस्टम कैसा होता है उसका वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं, तो एक बार कृपया उसको भी देख ले। आज हम इस बात करेंगे जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं यानी ट्रक है उसके अंदर क्या है वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। आप क्या करेंगे जैसे आप बड़ी गाड़ी आगे बोनट को उठा के खोल के देखेंगे तो आपको सामने लोहे का या प्लास्टिक का एक अलग से आपको डिब्बा दिखाई देगा जिसको डीएरेशन टैंक या प्लास्टिक या एग्जिट टैंक के नाम से जानते हैं। जो सामने जो आपको डिब्बा दिखाई देगा यानी कि टैंक टाइप का जो एग्जिट टैंक ये क्या होता है रेडिएटर कैप से अलग होता है थोड़ा ऊपर के हालत में। छोटी गाड़ियों में क्या था कूलिंग सिस्टम उसके अंदर रेडिएटर कैप थी वो क्या होती थी रेडिएटर के अंदर ही होती थी, लेकिन इसके अंदर अलग से डीएरेशन टैंक लगाया गया है और इसके अंदर ये कैसे काम करता हम इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन से, सबसे पहले ये देख लेते हैं काम करने वाले भाग डीएरेशन टैंक रेडिएटर कैप और रेडिएटर टैंक अपर टैंक लोअर टैंक होज पाइप रेडिएटर फैन वाटर पंप सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड वाटर जैकेट थर्मोस्टेट वन और टेम्परेचर रिकॉर्ड सेंडिंग यूनिट और टेम्परेचर गेज। तो अब इसके बारे में बारीकी से बात करेंगे सभी एक एक के भागों के बारे में ये कैसे क्या काम करते हैं। आपको पता है कि जब हमारा यदि इंजन गर्म चलेगा तो भी नुकसान है और ठंडा चलेगा तो भी नुकसान है। इन सभी अगर यदि ठंडा यदि हमारा इंजन गर्म नहीं होगा तो क्या होगा पार्ट्स आपस में ज़्यादा घिसेंगे लुब्रिकेंट सही अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा इंजन ठंडा चलेगा उसमें भी हमारी गाड़ी में दोष उत्पन्न होंगे। अगर ज़्यादा गर्म चलेंगे तो क्या होगा इंजन हमारा सीज हो सकता है पिस्टन जल सकते हैं रिंग घिस सकती है और इंजन सीज हो सकता है। तो इसलिए मेकर ने क्या किया है इंजन यानी कि इंजन गर्म भी नहीं चलना चाहिए और इंजन ठंडा भी नहीं चलना चाहिए, यानी कि इंजन को एक दर्जा हरारत टेम्परेचर के ऊपर काम करना चाहिए जिसके ऊपर वो सही काम कर सके। इसी को पूरा करने के लिए मेकर ने क्या किया है वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया गया। हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं डीएरेशन टैंक के बारे में। डीएरेशन टैंक क्या है कि आप गाड़ी को जैसे ही खोल के सामने से बोनट पर देखोगे तो किसी के अंदर लोहे का डिब्बे टाइप का मिलेगा या फिर प्लास्टिक डिब्बे में। आजकल जो नई गाड़ियों में आ रही है सभी के अंदर क्या है प्लास्टिक के कंटेनर टाइप का है और उसके ऊपर के रेडिएटर जो कैप है उसी के अंदर सेंसर भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि टोटल जो चार पाइप है वो जो तीन पाइप है वो तो सिर्फ एयर निकालने के लिए लगाई हुई है और जो एक पाइप है जिससे क्या लोअर टैंक के अंदर क्या आता है तो हमारा कूलेंट जब हम एग्जिट टैंक के अंदर कूलेंट को डालते हैं तो क्या करते हैं इसके अंदर एयर वेंट होल होता है, यानी कि एक एयर वेंट ट्यूब होती है। जो एयर वेंट ट्यूब होती है एयर वेंट ट्यूब के रास्ते कूलेंट क्या आता है लोअर टैंक में आता है। लोअर टैंक के अंदर क्या होता है कि लोअर टैंक के अंदर जैसे जैसे कूलेंट हम इसके अंदर भरते जाएंगे तो क्या करता जाएगा जो हमारी ट्यूब है ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। ट्यूब के तरफ ऊपर के बढ़ने से हमारा जो कूलेंट है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा जिससे क्या इसके अंदर जो भी एयर होगी या जो भी जो बबल्स इसके अंदर बनेंगे वो क्या होंगे इसके साथ क्या होंगे ऊपर उठते जाएंगे और जो हमारी जो पाइप लगी हुई है जो अपर
टैंक है, रेडिएटर का अपर टैंक है, उसके अंदर जो एयर है वो किसमें चली जाएगी, डीएयरेशन टैंक से होते हुए ये एयर जो पाइप है उसके अंदर बाहर चली जाएगी। यानी कि डीएयरेशन टैंक का मेन मकसद यही है कि जब हमर कूलेंट को रेडिएटर के अंदर भरते हैं, यानी कि कूलेंट के अंदर रेडिएटर को डालते हैं, तो क्या करते हैं, पहले गाड़ियों में क्या था कि जैसे हमने कूलेंट को सीधा रेडिएटर कैप को खोला, उसके अंदर डाल दिया, तो उसके अंदर कोई बबल चला गया, तो बबल क्या होता था, सिस्टम में घूमता रहता था, जिससे क्या होता था, हमारे रेडिएटर काफ़ी नुकसान होते रहते थे। इसी नुकसान से बचने के लिए मेकर ने क्या लगाया, डीएयरेशन या एक्सिलरी टैंक लगाया। इसके अंदर क्या क्या, टोटल चार पाइप का कनेक्शन दे दिया, तीन पाइप तो सिर्फ एयर निकालने के लिए है, और जो एक पाइप है जो इस साइड से देखेंगे, जो फर्स्ट वाली जो पाइप है क्या करता है, जैसे हम इसके अंदर कूलेंट डालते हैं टैंक के अंदर, तो इसके अंदर एयर वेंट ट्यूब लगी हुई है, जिसके साथ क्या होता है, कूलेंट नीचे की तरफ जाता है, यानी कि इसके अंदर कूलेंट लोअर टैंक से अपर टैंक की तरफ आता है, जबकि सामान्य गाड़ियों में क्या होता है कि अपर टैंक से लोअर टैंक के अंदर कूलेंट जाता है, तो लोअर टैंक से क्या होता है कि फिर से अब ये ऊपर होने के कारण डेयर टैंक इसलिए हाइट में लगाया जाता है, हाइट में लगाए होने के कारण क्या होता है कि ग्रेविटी सिस्टम से क्या होता है, कूलेंट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, और इसके अंदर जो बबल से एयर बनता है वो क्या करता है, जो एयर पाइप लगी हुई है इसके साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये था हमारा डीएरेशन टैंक का। इसके अंदर तीन पाइप है, ये जो अपर टैंक है वो भी एयर निकालने का काम वाली, एक पाइप हमारा जो थर्मोस्ट वाल है उसके ऊपर, यानी कि जैसे थर्मोस्ट वाल के अंदर से जब हमारा कूलेंट लोअर टैंक से जाकर अपर टैंक में आएगा होज पाइप के द्वारा, तो इसके अंदर भी जो हमारा अगर किसी प्रकार का बबल्स कोई बन रहा होगा वो भी क्या होगा, इस एयर वेंट ट्यूब जो ये पाइप है इसके द्वारा डीएयरेशन टैंक होता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो था ही हमारा कि डीएयरेशन टैंक है वो कैसे काम करता है, यानी कि डीएयरेशन टैंक लगाया क्यों गया है। फिर उसके बाद है जो ये आपको सभी को पता है, जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो क्या करती है, इसके अंदर अपर टैंक के अंदर आया हुआ जो कूलेंट होता है, जब हमारी गाड़ी चल रही होती है, जो कूलेंट अपर होज पाइप के द्वारा किस में आता है, अपर टैंक में आता है, तो क्या होता है, ट्यूब के द्वारा नीचे लोअर टैंक में जाता है, और उसके साथ जो एक साइड कटी हुई है ये क्या है, फिन्स, जिससे क्या होगी, जैसे हमारी गाड़ी चलते एयर क्या टकरा के फिन से टकराती है, और ट्यूब के साथ मिलकर कूलेंट को क्या करती है, ठंडा करती है। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा जो वाटर पंप है, इसके अंदर वाटर पंप है वो क्या है, इंपेलर टाइप यानी सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, जिससे इसके ऊपर एक फैन पुली होती है, जो एक फैन होता है जो क्या करता है, बाहर से एयर को रेडिएटर के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर रेडिएटर के अंदर से क्या एयर को खींच के क्या करता है, एयर इंजन के ऊपर फेंकता है, यानी कि एयर को बाहर की तरफ से खींचेगा और इंजन के ऊपर फेंकता है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर पंप है उसको क्रैंक पुली से चाल मिलती है, उसके क्या एक फैन बेल्ट के द्वारा इसको चाल मिलती है, जो वाटर पंप को चाल देती है वो फैन बेल्ट के फैन पुली से होता है, किसको अल्टरनेटर को भी चाल देता है। जो हमारा वाटर पंप है इंपेलर टाइप का, ये क्या करता है कि 1000 RPM पे 125 गैलन प्रति मिनट की दर से जो कूलेंट है उसका सर्कुलेट करता है, यही से वाटर पंप की खासियत होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हमारे सिलेंडर ब्लॉक हो गए, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के अंदर क्या है, वाटर जैकेट बनी हुई है, यानी कि जो हमारी वाटर जैकेट बनी हुई है, जिसके अंदर क्या हमारा कूलेंट क्या है, सिलेंडर के अंदर उसके जो हमारे बोर है उसकी तरफ चाहे इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा सभी ड्रिलिंग लगी हुई है, और इसके अंदर क्या करता है, कूलेंट इसके अंदर घूमता रहता है। फिर उसके बाद ये हमारे एक टेम्परेचर रिकॉर्ड सेंडिंग लगी होती है, थर्मोस्टेट हाउसिंग है, जहाँ पर थर्मोस्टेट उसके हाउसिंग के ऊपर क्या लगा है, TSR यूनिट, टेम्परेचर रिकॉर्ड सेंडिंग यूनिट लगी हुई, जो क्या करती है कि टेम्परेचर को हमें डैशबोर्ड पे ड्राइवर केबिन को दिखाती है कि हमारा जो इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन और रेड में सिग्नल आता है, जब हम टेम्परेचर के डैशबोर्ड स्पीडोमीटर में देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन और रेड के अंदर सिग्नल आएगा, ग्रीन है तो हमारा इसका मतलब इंजन सही काम करता है, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है, अगर ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई हो रहा है, उसके लिए हमें कोई ना कोई इसके अंदर फॉल्ट हो गया, उसको दूर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा थर्मोस्ट वाल, जो हमारा थर्मोस्ट वाल है इसका बड़ा महत्व है, यानी कि जो हमारा थर्मोस्ट वाल है ये हमारे सिस्टम को दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि इंजन को दर्ज हरारत में प्राप्त करने के लिए, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर में लाने के लिए थर्मोस्ट वाल का बड़ा महत्व है। ठीक है, थर्मोस्ट वाल का फेल फ्लो ब्लो टाइप का जो थर्मोस्ट वाल लगा हुआ है, इसके अंदर क्या करता है कि दो एक स्प्रिंग प्लेट टाइप की होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं फ्लो वैक्स टाइप, यानी कि जिस हिसाब से ऊपर दबाव प्रेशर पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से वाल खुलता है। तो एक वाल क्या करता है, दो हालत में काम करता है, यानी कि एक तो बंद हालत में, एक खुली हालत के अंदर। जो हमारा थर्मोस्ट वाल है दो हालत में काम करता है, बंद हालत और खुली हालत। बंद हालत में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि इंजन हमारे शुरू में गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट करने से क्या हुआ कि जैसे पंप को चाल मिला, पंप को चाल मिलने से क्या हुआ कि जो कूलेंट है उसके अंदर सर्कुलेट होता हुआ क्या होगा, हमारा
वाटर जैकेट के अंदर जाएगा। जो वाटर जैकेट्स होता हुआ सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के होता हुआ वापस घूम के थर्मोस्टॉल पे पहुंचेगा। जो थर्मोस्टॉल है वो हमारा क्या करता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यदि हमारा इंजन का टेम्परेचर इससे बंद है यानी कम है, यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हमारा टेम्परेचर कम है यानी कि जो हमारा थर्मोस्टॉल है वो क्या करेगा 95 डिग्री तक मैक्सिमम खुलता है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलने लग जाता है, यह 85 डिग्री से 95 डिग्री के ऊपर पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो जब हमारा गाड़ी नॉर्मल हालत में चलती है जब सर्वम गाड़ी की स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम तो इंजन ठंडा होता है, तो इंजन ठंडा होता है उस टाइम क्या होता है कि ये वाल्व बंद रहता है, यानी कि जब तक हमारे टेम्परेचर का इंजन का टेम्परेचर कूलेंट जो उसके अंदर घूम रहा है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक क्या होगा ये खुलता नहीं है। तो ये क्या होगा कि जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो बंद हालत में क्या करेगा, जैसे बंद हालत के अंदर यानी गाड़ी का टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हमारा थर्मोस्टॉल हमेशा बंद रहता है। इसके अंदर बंद होने से क्या होगा, हमारा वाटर पंप चल रहा है, वाटर पंप क्या किया कूलेंट बाहर के लिया, सिलेंडर ब्लॉक के जो जैकेट्स होता हुआ क्या हुआ वापस थर्मोस्टॉल तक पहुंच जाता है। थर्मोस्टॉल बंद होने के कारण जो हमारा बाईपास हुआ है यानी कि बाईपास पाइप लगी वो क्या करती है वापिस जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये क्या करती है वापिस वाटर पंप में आ जाती है, यानी कि वाटर पंप में आने के कारण जो हमारा कूलेंट एक बार जो इसके अंदर चला गया सिलेंडर जो इंजन के अंदर एक बार जो चला गया वो क्या करता है थर्मोस्टॉल के बंद होने के कारण जो बाईपास जो ये पाइप लगा उसे वापस किया जाता है वाटर पंप में आ जाता है और ये हमारा जो कूलेंट है ये ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि एक बार जो इसके अंदर आ गया पंप के द्वारा तो इसके अंदर जाएगा इस बाईपास के द्वारा वापस वाटर पंप में आके फिर वापस इसी के अंदर क्या करेगा घूमता रहेगा। ये कब तक घूमता रहेगा जब तक हमारा थर्मोस्टॉल बंद रहेगा, ठीक है। थर्मोस्टॉल यहाँ तक कि बंद कार्रवाई यानी कि थर्मोस्टॉल हमारा दो हिस्सों में काम करता है, एक बंद हालात एक खुली हालत। बंद हालात कब होगी जब हमारा इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर क्या होगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, फिर क्या होगा खुलिया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 85 डिग्री या उससे ऊपर होगा तो हमारा थर्मोस्टॉल क्या होगा खुलने लग जाएगा। जैसे इससे खुलने लगेगा तो इसके अंदर जो गैप है जो पत्ती है जो स्प्रिंग है वो नीचे बन जाएगी उसके बीच में गैप बन जाएगा, यानी कि ये कनेक्शन आपका कट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होने से क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये 6.6 mm तक खुलता है। इससे पहले जो हमारी गाड़ी आती छोटी गाड़ी इससे पहले वीडियो डाला था उसके अंदर 8 mm खुलता, लेकिन बड़ी गाड़ी टाटा 12 TC का है जो उसके अंदर क्या है कि 6.6 mm खुलता है। तो इसके खुलने से क्या होगा जैसे टेम्परेचर बढ़ा थर्मोस्टॉल खुल गया, थर्मोस्टॉल खुलने से क्या है कि वाटर पंप चल रहा है, वाटर पंप से क्या होगा कूलेंट लगातार सर्कुलेट कर रहा है और प्रेशर के साथ कहाँ जा रहा है आगे जा रहा है। जो हमारा वाटर पंप क्या है ये 125 गैलन 1000 RPM प्रति मिनट की दर से जो कूलेंट है उसको आगे फेंक रहा है। तो इसको घूमने से क्या है जो हमारा कूलेंट है घूमता हुआ किसमें आएगा थर्मोस्टॉल के पास पहुंचे, थर्मोस्टॉल खुला होने के कारण जो हमारा बाईपास वाला उसके अंदर कूलेंट में जाकर क्या थर्मोस्टॉल से होता हुआ अपर होज पाइप के रास्ते यानी कि जो अपर होज पाइप है उसके द्वारा क्या हुआ अपर टैंक में आ जाता है। फिर अपर टैंक में आने से क्या है कि अपर टैंक में आ गया तो उसके बाद क्या वापस ट्यूब से होता हुआ और फिर से वापस लोअर टैंक में चला जाता हुआ ये कार्रवाई चलती रहती है, यानी कि इसके अंदर मेन भूमिका डीएरेशन टैंक और थर्मोस्टॉल जो है वो वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वाटर पंप वो भी हमारे सिस्टम का मुख्य भाग है क्योंकि अगर वाटर पंप ही नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा पूरा काम अधूरा रहेगा यानी सिस्टम हमारा सही काम नहीं करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फैन बेल्ट है और जो टाइप है उसके अंदर क्या है कि ये सब है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अभी हम ये सभी इसके भागों के नाम हो गया जो सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड कितने टेम्परेचर गेज पे काम करता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। मेन इसके डीएरेशन टैंक का है, डीएरेशन टैंक के अंदर टोटल 4 पाइपें लगी हुई है, 3 पाइप तो सिर्फ एयर निकालने के लिए है और जो एक पाइप है जिसके अंदर एयर वेंट ट्यूब है वो क्या करती है कूलेंट को लोअर टैंक में भेजने के काम आती है, जो क्या करती है एयर को जो इसके अंदर किसी पर कोई बबल बनता है उसको बनने नहीं देती। फिर क्या करता है इसके अंदर रेडिएटर के अंदर कैप लगा उसके अंदर क्या है PRV वाल लगे होते हैं, आपको सभी पता है जब हमारी गाड़ी चलेगी तो PRV जो हमारे इस गाड़ी का PRV वाल है 7 PSI पे खुलता है, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा PRV वाल खुलता जाएगा और PRV वाल के खुलने से क्या है कि जो उसके अंदर रेडिएटर जो हमारा प्रेशर बन रहा है वो क्या होता है कि जो एयर एक पाइप है जो स्पेशल बाहर वातावरण के अंदर लटकी हुई है पाइप क्या होती है बाहर ऐसी लटकी हुई, आप जैसे गाड़ी को खोल के देखोगे तो बाहर जो क्लाइमेट के अंदर लटकी हुई है यानी किसी प्रकार से कोई बंद नहीं ऐसे खुल लटकी, इसके अंदर क्या होगा ये जब हाई प्रेशर प्यारी वाल खुलेगा तो क्या होगा प्रेशर वातावरण के अंदर रिलीज हो जाएगा और जैसे गाड़ी हमारी बंद होगी और उस टाइम VRV वाल खुलेगा तो VRV वाल खुलने से क्या होगा एयर को वापस खींच के क्या करेगा
टाइम के अंदर डालेगा। तो ये हमारा रेडिएटर कैप का काम, यानी कि रेडिएटर कैप पे पीआरवी और वीआरवी वाल्व कैसे काम करते हैं। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं कि ये जो हमारा वाटर पंप है ये काम कैसे करता है। वाटर पंप यानी कि काम तो मेन है जो हमने बताया दिया कि इसके अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्यविधि देखते हैं कि इसकी कार्यविधि, यानी जैसे इसको बताया दिया कार्यविधि में क्या है कि थर्मोस्टेट वाल्व की भूमिका है मेन और जो ये काम करता है। कार्यविधि में क्या करते हैं, जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने से क्या है कि जो हमारी क्रैंक पुली घूमती है, क्रैंक पुली घूमने से जो फैन बेल्ट के द्वारा किसको क्या करते हैं, वाटर पंप को चाल मिलती है। वाटर पंप को चाल मिलने से क्या है कि जो वाटर पंप क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल से इंपेलर टाइप का होने के कारण ये काम करता है। और वाटर पंप के घूमने से क्या है कि जो चूस है वो रेडिएटर के लोअर टैंक में पड़ती है। लोअर टैंक से क्या होता है, कूलेंट आगे सक के द्वारा क्या होता है, प्रेशर के साथ किसमें जाता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वाटर जैकेटों से होता हुआ सिलेंडर से होता हुआ किसमें थर्मोस्टेट वाल्व तक पहुंचता है। थर्मोस्टेट वाल्व से पहुंचने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व आपको पता है बंद हालत खुले हालत दोनों में काम करेगा। यदि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व बंद है यानी कि इंजन कूलेंट का टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हमारा जो कूलेंट है बाईपास थर्मोस्टेट वाल्व से बाईपास होते हुए वाटर पंप में आएगा और वाटर पंप से इसी में घूमता रहेगा। और जैसे ही क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर 85 डिग्री से 95 डिग्री के बीच होगा तो 95 डिग्री के बीच होने से क्या है थर्मोस्टेट वाल्व हमारा खुलने लग जाएगा। 95 डिग्री पे हमारा थर्मोस्टेट वाल्व है कंप्लीट खुल जाएगा। इसके खुलने से क्या होगा कि जो हमारा कूलेंट है जो हमारा बाईपास से जा रहा था वो क्या होगा, बाईपास से ना जाके थर्मोस्टेट वाल्व से होता हुआ अपर होज पाइप के रास्ते रेडिएटर के अपर टैंक में आ जाएगा। यानी कि अपर टैंक के अंदर क्या होगा कूलेंट आ, अपर टैंक के अंदर कूलेंट आने से क्या होगा फिर उसके अंदर यदि थर्मोस्टेट वाल्व के ऊपर लगा जो एयर बैंड पाइप है, ये आपको देख रहा है एयर बैंड पाइप जो लगा हुआ है थर्मोस्टेट हाउसिंग के ऊपर भी एक पाइप लगा हुआ, यदि जब हमारा कूलेंट सिलेंडर ब्लॉक से होता हेड से होता हुआ थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर से होता वापस होज पाइप में जाता है तो उससे पहले यदि उसमें किसी प्रकार का कोई बबल या किसी प्रकार के बुलबुले या एयर है तो क्या होगा इस पाइप के रास्ते के द्वारा क्या होगा डिएरेशन टैंक में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक पाइप थर्मोस्टेट हाउसिंग वाल्व पे भी लगाया गया है। फिर दूसरा इसके अंदर जैसे हमारा कूलेंट अपर टैंक के रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा विभिन्न जो हमारी ट्यूब्स बनी उसके अंदर बढ़ जाएगा पूरा आएगा। अगर इसके अंदर भी यदि किस प्रकार कोई एयर है तो वो भी क्या होगा जो हमारा एयर बेल्ट ये पाइप लगा हुआ है इससे एयर क्या होगा किस में चला जाएगा डिएरेशन टैंक में चला जाएगा। यानी कि एयर को निकालने के लिए इसके अंदर क्या लगाया है दो अलग से पाइप लगे, एक दो पाइप अलग से लगाए थर्मोस्टेट हाउसिंग पे और क्या है कि और ये दूसरा कूलेंट इसमें डालते टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हमारा कूलेंट इसमें आ गया अपर थर्मोस्टेट वाल्व से टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ थर्मोस्टेट वाल्व पूरा खुला। थर्मोस्टेट वाल्व के खुलने से जो हमारा कूलेंट अपर होज पाइप के रास्ते सिलेंडर ब्लॉक में आ गया अपर होज पाइप के रास्ते क्या हो गया रेडिएटर के अपर टैंक में आ गया। अपर टैंक में अगर इसके अंदर किसी प्रकार एयर है तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा एयर पाइप लगा हुआ है उससे एयर निकल के कहाँ चली जाएगी डिएरेशन टैंक में चली जाएगी। फिर उसके बाद अपर टैंक के अंदर आया हुआ जो रेड कूलेंट है वो ट्यूब के द्वारा किसमें चला जाएगा नीचे लोअर टैंक में चला जाएगा। लोअर टैंक से क्या इसके साथ क्या हमारी फिंस लगी हुई है, फिंस क्या होगी एयर से टकराएगी और उसको क्या करेगी कूलेंट को ठंडा करेगी। कूलेंट को ठंडा करने से क्या होगा कि जो हमारा कूलेंट जो नीचे लोअर टैंक के अंदर जाएगा वो ठंडा होता जाएगा और जिससे इंपेलर हमारी गाड़ी लगातार स्टार्ट चलती रहेगी और हमारा जो कूलेंट इस प्रकार चक्कर काटता रहेगा, यानी कि जो हमारा कूलेंट है पूरे सिस्टम में घूमता रहेगा, ठीक है। यानी इसका मेन तो जो ये थर्मोस्टेट वाल्व कितने सेंटीग्रेड पर खुलता है 85 डिग्री से 95 डिग्री कितना खुलता है 6.6 एमएम खुलता है। हम ये बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रक है उनके अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है जिसके अंदर डिएरेशन टैंक लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ कारण है कि जैसे कि यदि हमारा इंजन ओवरहीट हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कूलेंट या कि हमारा कूलेंट का लेवल इसमें कम हो सकता है, यानी कि इसके निर्धारित जो बड़ी गाड़ी है किसी के अंदर 21 लीटर किसी के अंदर 23 लीटर 24 लीटर इस प्रकार का कूलेंट आता है। जो हमारी इस गाड़ी है 12 टीसी है इसके अंदर क्या है कि 21 लीटर आता है, यानी कि हमारा टाटा 12 टीसी के अंदर क्या है कि 21 लीटर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 21 लीटर कूलेंट आता है, किसी में 21 किसी में 24 अलग गाड़ी का अलग अलग कूलेंट की मात्रा उसमें। यदि इसके अंदर कूलेंट का लेवल कम होगा तो भी हमारी गाड़ी क्या होगी ओवरहीटिंग होगी। यानी जो हमारे रेडिएटर के ट्यूब्स है अगर ये भी कहीं से जंग जाएगी या बैंड हो जाएगी तो हमारी गाड़ी ओवरहीट होगी। और अगर होज पाइप यदि हमारा होज पाइप चोक हो गया कूलेंट उसके अंदर घूमेगा नहीं तो भी क्या होगा हमारे जो इंजन है ओवरहीट होगा।
यदि हमारा वाटर पंप की शाफ्ट है, यानी कि वाटर पंप शाफ्ट यदि वाटर पंप पे काम नहीं करेगा तो भी हमारी इंजन ओवरहीट होगा। अगर इसके इम्पेलर टाइप का, अगर इसकी जो फिन सब वो घस जाएगी तो भी हमारा वाटर पंप सही काम नहीं होगा, प्रेशर सही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हमारी फैन बेल्ट जो इसको चाल दे रही वो भी लूज होगी तो भी हमारी क्या होगी, गाड़ी इंजन ओवरहीट होगी। अगर थर्मोस्ट वाला है, यदि बंद हालत में जाम हो गया तो भी हमारी गाड़ी क्या होगी, ओवरहीट होगी, क्योंकि अगर ये बंद हालत में जाम हो गया तो गाड़ी कंटिन्यू चलती रहेगी, टेम्परेचर क्या करेगा, जो कूलेंट है इधर से बाईपास से घूमता रहेगा, आगे कूलेंट जाएगा नहीं, ये कूलेंट ज्यादा ग्राउंड पे यही घूमता रहेगा और हमारी गाड़ी क्या होगी, ओवरहीट होने लग जाएगी। अगर यदि हमारा टेम्परेचर गेज खराब है, यदि ये टेम्परेचर गेज खराब होने से क्या है कि हमें दिखाएगा रीडिंग ही गलत दिखाएगा तो हमारी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारे इसको क्या करना चाहिए, देख रेख इसकी सही रखनी चाहिए, जो इसकी प्री प्ले बेल्ट की प्री प्ले इसको चेक करता रहना चाहिए कि इसके अंदर कितना है, होज पाइप पे जो जुगली क्लिप लगी है, जो ये यहाँ पे जुगली क्लिप लगी हुई, इन सभी को भी क्या होता है चेक करते रहना, कहीं से हमारा जो होज पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं हुआ, पिचक तो नहीं गया, कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे बड़ी गाड़ियाँ ट्रक उसके अंदर जो टाटा 1200 TC या टाटा 1210, यानी जिन भी गाड़ियों में डी-एरेशन टैंक लगा है उसके अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार कोई सवाल हो तो उसको ज़रूर बताएं। और ओके, थैंक यू दोस्तों।